हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में मैं एक कॉमन मिथ दूर करने वाला हूं, और वो कॉमन मिथ इस बारे में है कि बहुत सारे लोग जो लीगल प्रोफेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो इन सारे वर्ड्स को एक ही तरीके से यूज करते हैं। वर्ड्स कौन कौन से हैं, देखिए, प्लेंटिफ, पिटिशनर, अपीलांट, एप्लीकेंट, इन सारे वर्ड्स को ना एक ही तरीके से यूज करते हैं। और बहुत सारे लोग तो इनफैक्ट डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते कि क्या डिफरेंस है प्लेंटिफ में, क्या डिफरेंस है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि सर, सिविल केस में, क्रिमिनल केस में प्लेंटिफ, प्रोसिक्यूशन, डिफेंडेंट, एप्लीकेंट, इन सब वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। तो इन सारे वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इन सारे वर्ड्स को यहाँ लिखा है, और मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि इन सारे वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। पहला जो वर्ड आया, दैट इज कॉल्ड प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब उस पर्सन से है जो कोई सिविल केस फाइल करता है। सिविल केस इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो केस फाइल किया गया, तो जिस पर्सन ने केस फाइल किया सिविल कोर्ट में, उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ। लॉ ऑफ टॉर्ट का केस है, टॉर्ट में अगर नेग्लिजेंस का केस फाइल किया है, तो जिसने केस फाइल किया है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लेंटिफ। तो जो पर्सन केस फाइल कर रहा है, सिविल केस फाइल कर रहा है, उस पर्सन को हम कहते हैं प्लेंटिफ। सिविल केस और साथ ही साथ सिविल कोर्ट में वो केस फाइल करे, उसे हमने प्लेंटिफ का नाम दे दिया। इसके लिए जरूरी है कि सिविल केस होना बहुत जरूरी है। मैं इस बात के ऊपर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये क्रिमिनल केस होगा तो क्रिमिनल केस में प्लेंटिफ नहीं होता, क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन होता है। सो अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मिस्टर वाई ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो केस फाइल कौन करेगा, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स उस केस में बन जाएंगे प्लेंटिफ और मिस्टर वाई बन जाएंगे डिफेंडेंट। तो जिसके अगेंस्ट में केस फाइल होता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। लेकिन अगर मिस्टर वाई के ऊपर मर्डर का चार्ज है, तो उस केस में गवर्नमेंट बनती है प्रोसिक्यूशन, और जिस पर्सन के अगेंस्ट में केस चल रहा है वो बन जाता है डिफेंडेंट। यस, ये सिमिलैरिटी है। चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, नाम जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है उसका नाम हमेशा डिफेंडेंट ही रहता है। सलमान खान के केस में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बन गई प्रोसिक्यूशन, सरकारी वकील जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सरकार हमेशा प्रोसिक्यूशन बनती है, और डिफेंडेंट कौन बन गया, डिफेंडेंट बन गए सलमान खान, राइट। तो उस केस में प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंडेंट जब क्रिमिनल केस हो, और सिविल केस में हम क्या बोलेंगे, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। तो सिविल केस कुछ इस तरीके से फाइल होता है, एक्स वाई जेड वर्सेस ए बी सी। सो हम सिविल केस में किस तरीके से बोलेंगे, एक्स वाई जेड वर्सेस ए बी सी। बट व्हेन इट कम्स टू, अगर हम क्रिमिनल केस की बात करेंगे तो उसमें लिखा होगा स्टेट वर्सेस ए बी सी। तो यहां जो स्टेट है, स्टेट बनेगा प्रोसिक्यूशन, और जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ वो बन जाएगा डिफेंडेंट। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं सर, पिटिशनर का मीनिंग क्या होता है। पिटिशनर वो जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट के लिए कोर्ट में कोई केस फाइल करता है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए केस फाइल करेगा तो केस कहां जाएगा, तब तो वो केस सर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर पिटिशनर को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में एंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में केस फाइल कर सकता है। जो पीआईएल फाइल करता है उसे भी हम पिटिशनर कहते हैं, राइट। तो जब मैंने आपको बताया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई फाइल कर रहा है, तो जो पर्सन केस फाइल कर रहा है, जो पीआईएल फाइल कर रहा है, उसका नाम होगा पिटिशनर। अगर कोई पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन का केस फाइल कर रहा है, तो वो भी बन जाएगा पिटिशनर। नाउ व्हाट इज एप्लीकेंट। एप्लीकेंट और प्लेंटिफ, इन दोनों में एक मैं आपको डिफरेंस यहां बताने वाला हूं। एप्लीकेंट सिविल या क्रिमिनल केस दोनों में से किसी भी केस में आ सकता है। एप्लीकेंट के एग्जाम्पल, अगर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, कौन सी एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन। एक डिफरेंस जो एप्लीकेंट और प्लेंटिफ में, वो ये है
कि प्लेंटिफ हमेशा सिविल केस में और सिविल कोर्ट में जाता है, लेकिन एप्लीकेंट किसी भी कोर्ट में जा सकता है, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो चाहे वो सिविल कोर्ट हो। तो इसके लिए कहा जाता है कि जब तक कोर्ट खुद कॉग्निजेंस ना ले तब तक एप्लीकेशन फाइल करता है कौन? एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल करता है। तो दिस कुड बी एन इंटरिम एप्लीकेशन। और जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई क्रिमिनल जो है, अगर क्रिमिनल नहीं है लेकिन किसी पर्सन के ऊपर क्रिमिनल चार्ज भी है, तो वो कोर्ट में अगर बेल एप्लीकेशन जो फाइल करता है, बेल एप्लीकेशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एप्लीकेंट। तो सलमान खान ने, अगर गवर्नमेंट ने जब सलमान खान के ऊपर केस चलाया, उसके बाद सलमान खान ने अगर अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल करी, तो सलमान खान वहां क्या बन गए? सलमान खान वहां बन गए एप्लीकेंट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड अपीलांट। अपीलांट इट सिंपली मींस किसी हायर कोर्ट में अपील फाइल करना। अपील फाइल हाई कोर्ट में भी हो सकती है, अपील सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल हो सकती है, अपील सिविल केस में भी हो सकती है और अपील क्रिमिनल केस में भी हो सकती है। देखिए, अपील फाइल कौन करता है? तो हम बोलते हैं सर, अपील फाइल करता है एग्रीड पार्टी। तो टर्म क्या है? एग्रीड पार्टी हमेशा अपील फाइल करती है कौन से कोर्ट में? हायर कोर्ट में। दिस कुड बी हाई कोर्ट, दिस कुड बी सुप्रीम कोर्ट। तो सलमान खान वाले केस में अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में क्या फाइल की है? सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। संजय दत्त वाला केस भी अपील की फॉर्म में कहां पहुंच गया था? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अयोध्या केस की भी अपील कहां की गई? उस केस की भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई। तो अलग अलग कोर्ट में अपील फाइल की जाती है, लेकिन जिस कोर्ट में अपील फाइल की जाएगी वो उस कोर्ट से सीनियर हो जिस कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहां देता हूं, दिल्ली की किसी कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है और एक एग्रीड पार्टी उस जजमेंट को चैलेंज करना चाहती है, तो चैलेंज कहां करेगी? फर्स्ट वो उसे चैलेंज करेगी दिल्ली हाई कोर्ट में, चाहे वो सिविल मैटर हो या वो क्रिमिनल मैटर हो। और उसके बाद अगर दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी उसके फेवर में नहीं आया, तो अब अपील कहां फाइल की जाएगी? अब अपील फाइल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। सो आई रियली होप कि इस वीडियो से मैंने आपको बहुत हद तक क्लियर कर दिया है कि इन टर्म्स का बेसिक डिफरेंस क्या है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।